Hi guys, once again welcome back to my channel. My name is Pooja and you're watching Beauty and Creativity. आज मैं आपके साथ कुछ अमेजोन के प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ. इसमें जीन्स हैं एंड स्वेट शर्ट्स हैं. इन सभी के परचेसिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्वेट शर्ट. सो ये है फर्स्ट स्वेट शर्ट. दिस इज़ इन पिंक कलर एंड ब्रांड है ये ओगार्ती ब्रांड का है ये. एंड प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है. अगर आप विंटर्स में इसे एज ब्लाउज भी स्टाइल करना चाहते हैं तो आप स्टाइल कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है, लेंथ थोड़ी शॉर्ट ही है बट इट्स नॉट क्रॉप्ड. तो ये है काफ़ी अच्छा. और कम्प्लीटली कुछ लोगों को हाई नेक में टर्टल नेक में सफोकेटिंग फील होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इट्स नॉट टर्टल नेक. यहाँ तक कम्प्लीट सर्दी भी नहीं लगेगी एंड वो देखा जाए तो. And color is also very nice. So this is the first sweatshirt. ये woolen है material and आप इसे किसी jacket के अंदर style कर सकते हैं, directly style कर सकते हैं. बहुत तरीके से आप ऐसे वाले जो sweaters होते हैं उनको बहुत तरीके से आप style कर सकते हैं. इसका try on haul भी मैं आपके साथ share कर लूँगी. So let's move to the next one. This is in maroon color. और ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड उससे लंबा है. लेंथ इसकी अच्छी खासी है, जैसे वो वाला थोड़ा शॉर्ट है. अगर आप वैसे पहनना चाहते हैं, आपको ज़्यादा शॉर्ट पहनना पसंद नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है एंड मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. और ये है फ्रॉम द ब्रांड लहसुन और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है ये. ये भी वूलन है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है. जैसे इसे भी आप एज अ ब्लाउज भी स्टाइल कर सकते हैं इसे, क्योंकि प्लेन है ना, तो प्लेन जो सॉलिड कलर्स होते हैं उन्हें हम मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. और कलर्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं और अच्छे लगते हैं. और बहुत सारे जैसे न्यूट्रल कलर में कोई आपके पास जैकेट हो या कोई साड़ी के साथ आप एज अ ब्लाउज स्टाइल करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मटेरियल भी इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और जो इसकी निटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. नाउ अब है मेरे पास जीन्स फ्रॉम द ब्रांड वेरोमोडा. जो मैं जीन्स शेयर कर रही हूँ वो सारी वेरोमोडा से हैं. दिस इज़ द फर्स्ट जीन्स. इट्स इन ब्लैक कलर. ये बॉयफ्रेंड जीन्स है. साइड में इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है जिन लोगों को इस तरह की जीन्स अच्छी लगती है. और नीचे ये इस तरीके का पैटर्न है एंड इट लुक्स रियली नाइस. जिन लोगों के बॉडी टाइप पर इस तरह की जीन्स सूट करती है, जिन लोगों को इस तरह की बॉयफ्रेंड जीन्स पहनना पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं. इट्स वेरी नाइस और इसमें काफ़ी अच्छा ऑफ भी मिल गया मुझे. सो ये इस तरीके का है और जो साइज़ आप ऑर्डर करते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आएगा. और ब्लैक कलर ऐसा होता है जो हम बहुत कलर्स के साथ जाता है, मतलब तो ब्लैक जीन्स ऐसी चीज़ है जो आपके वार्डरोब में होनी चाहिए क्योंकि उसे हम अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग स्टाइल से हम ट्राई कर सकते हैं. ब्लैक कलर ऐसा होता है जो बहुत कलर्स के साथ जाता है. यू मस्ट हैव वन ब्लैक जीन्स इन योर वार्डरोब. सो दिस इज़ द फर्स्ट जीन्स. इसका भी ट्राई ऑन हॉल मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लू जीन्स. ब्लू भी ऐसा कलर है जो काफ़ी तरीके से स्टाइल हो जाता है. काफ़ी मतलब ब्लैक एंड ब्लू ये तो डेनिम्स होने ही चाहिए हमारे वार्डरोब में अगर आप जीन्स पहनते हैं. और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मटेरियल इज़ ऑल्सो नाइस. फिट भी इसका काफ़ी अच्छा आया. सो दिस इज़ द सेकेंड जीन्स. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड वेरोमोडा और इन पर ऑफ काफ़ी अच्छा चल रहा था तो काफ़ी अच्छा ऑफ मिल गया. अदरवाइज़ MRP तो इसका 3499 है लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया इस पर मुझे. और साइड में इस तरीके की थ्रेड्स वाली पैटर्न दिया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. नीचे भी सेम ये थ्रेड्स दिए हुए हैं, इस तरीके का पैटर्न है. इट लुक्स रियली नाइस. ट्राई ऑन मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी इन सारे प्रोडक्ट्स का और सबका लिंक परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस हॉल की लास्ट जो जीन्स है वो ये वाली है विच इज़ इन चारकोल कलर. और ये फ्रंट में इसमें कुछ ये बटन वाला पैटर्न दिया हुआ है. काफ़ी सारे बटन्स हैं. इंस्टेड ऑफ जिप इन्होंने बटन्स दिए हैं और चारकोल भी कलर. ये चारकोल ग्रे कलर भी ऐसा होता है, काफ़ी कलर्स के साथ जाता है. जाता ही इससे मल्टीपर्पज़ होते हैं. ब्लैक, चारकोल ग्रे एंड ब्लू कलर, इस तरीके के कलर्स होते हैं. नीचे इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये जीन्स में. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. इसका कलर बहुत अच्छा लगा. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.